हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम पॉलिटिकल थ्योरी के अंतर्गत फ्रीडम को डिस्कस करेंगे। स्वतंत्रता क्या होती है, क्यों आवश्यक है और कितनी होनी चाहिए, ऐसे प्रश्नों पर विचार करेंगे। और हमेशा की तरह मेरी कोशिश होगी कि आपको बुक और उसके कंटेंट से ज्यादा दूर ना ले जाया जाए, ताकि आप कोर पॉइंट को तो समझे ही, साथ के साथ आंसर राइटिंग के लिए जो जरूरी फोल्डर मटेरियल्स हैं वो भी आपके मस्तिष्क में इकट्ठा होता रहे। डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग में फोल्डर मटेरियल्स की अपनी अलग भूमिका होती है। तो आइए समझते हैं फ्रीडम को। हमारा इतिहास ऐसे कई उदाहरणों से भरा है जब किसी पावरफुल ग्रुप ने लोगों को या फिर कम्युनिटीज को गुलाम बनाया हो और उनका शोषण किया हो। इवन हमारे भारत का इतिहास भी कुछ ऐसा ही रहा है जब हमने आधिपत्य को स्वीकार किया और शोषित होते रहे। लेकिन इन सब के बावजूद ये भी उतना ही सच है कि बहुत से लोगों ने ऐसे वर्चस्व, ऐसे आधिपत्य के विरुद्ध संघर्ष किया, और एक शानदार कहानी हमें सुनने को मिलती है इन संघर्षों की, जो हमें रोमांचित कर जाती है। हम विचार करने पर बाध्य हो जाते हैं कि स्वतंत्रता क्या है जिसके लिए लोगों ने अपना जीवन तक कुर्बान कर दिया। व्यक्ति कहीं न कहीं अपने जीवन भाग्य का विधाता खुद बनना चाहता है, अपनी इच्छा अनुसार अपनी गतिविधियों को, अपने विचारों को एक्सप्रेस करना चाहता है। और फिर समाज व्यक्तियों से ही तो बनता है, इसलिए समाज भी अपने कल्चर, अपने फ्यूचर को प्रोटेक्ट करने की इंटेंशन रखता है। लोगों की अपनी इच्छाएं होती हैं, अपने कुछ हित होते हैं, और जिन्हें सामाजिक जीवन में पूरा करने के लिए हमें कुछ नियम और कानूनों की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप स्टडी करना चाहते हो और एक व्यक्ति या कोई ग्रुप हो जो ये न चाहता हो कि आप स्टडी कर पाए। ऐसे में वो व्यवधान डालने की कोशिश करेगा, लेकिन आपकी इच्छा स्टडी करने की है, जो कि एक श्रेष्ठ इच्छा है जिसे पूरा होना ही चाहिए। ऐसे में कानून और नियम आपके लिए हेल्पफुल होंगे। अब कहने का मतलब ये है कि आपकी इच्छा की पूर्ति के लिए कानून और नियम बनाए जाएंगे, जो कि आपकी स्वतंत्रता पर कुछ हद तक रेस्ट्रिक्शन यानी कि सीमाएं लगाएंगे। लेकिन ऐसा होने से आपके मन में जो असुरक्षा का भाव है उसे दूर किया जा सकता है और आप खुद का विकास कर पाएंगे। पॉलिटिकल थ्योरी में ऐसे ही नियमों को डेवलप करने के लिए डिस्कशन की जाती है। सामाजिक जीवन में स्वतंत्रता पर आवश्यक लिमिटेशंस और बाकी के जीवन में जो भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होते हैं उनमें क्या अंतर है, इन बातों पर भी विचार किया जाता है। अगर हमें सामाजिक संरचना को बनाए रखना है तो स्वतंत्रता पर कहीं ना कहीं लिमिटेशन जरूरी है। नहीं तो जंगल राज हो सकता है, जो ताकतवर व्यक्ति होगा वो दूसरे कमजोर लोगों का शोषण करता रहेगा। ऐसा शोषण ना हो सके इसलिए स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं। लेकिन ये लिमिटेशंस कितने होने चाहिए और कौन इन्हें तय करेगा, मुद्दा ये है। स्वतंत्रता का आदर्श क्या है, इसे समझने के लिए महान व्यक्तित्व की श्रेणी में नेल्सन मंडेला, जो कि दक्षिण अफ्रीका के जन नायक थे, जिन्होंने नस्ल भेदी, रंग भेदी, गोरे लोगों की जो अलगावपूर्ण और भेदभावपूर्ण नीतियां थी उसके विरुद्ध आवाज बुलंद की थी। इनके जीवन के संघर्षों को हम एक केस स्टडी के रूप में लेंगे। आप सबने महात्मा गांधी को फर्स्ट क्लास का टिकट रखने के बाद भी ट्रेन से उतार दिए जाने की घटना के बारे में जरूर सुना होगा। ये घटना जून 1893 में दक्षिण अफ्रीका में हुई थी। गांधी जी के विचारों ने इस घटना के विरोध स्वरूप नटाल इंडियन कांग्रेस 1894 में गठित की और नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट किया जाना शुरू हुआ। गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह का प्रयोग ट्रांसवाल एशियाटिक ऑर्डिनेंस के विरुद्ध किया, जो कि भारतीयों के विरुद्ध था। ऐसे ही फिर 1907 में ब्लैक एक्ट के विरुद्ध भी उन्होंने संघर्ष किया। जनवरी 1915 तक भारत आने से पहले वो ऐसे कई प्रयोग करते रहे और जेल में आते जाते रहे। बाद में उनके इन अनुभवों का प्रयोग भारत की आजादी के लिए भी हुआ। 18 जुलाई 1918 को जन्म होता है नेल्सन मंडेला का। अब मैं यह तो नहीं कह रहा कि मंडेला जी गांधीवादी थे, संभवतः यह एक रिसर्च का टॉपिक होगा, मगर आप ये सोचिए कि क्या आप ऐसे किसी को माफ कर पाएंगे जिनके कारण आप 27 वर्षों तक यानी आपकी जवानी का पूरा एक बड़ा हिस्सा आपने कारावास यानी कि जेल में बिता दिया हो, आपका पूरा यंगहुड सलाखों के पीछे हो, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि आप अपने सामाजिक जीवन में फ्रीडम की इच्छा रखते थे। आसान तो नहीं है, पर नेल्सन मंडेला और उनके साथियों ने संभवतः ऐसा किया। इनकी स्वतंत्रता पर जो अन्यायपूर्ण प्रतिबंध लगाए गए थे उसके विरुद्ध इन लोगों ने संघर्ष किया, जिसे लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम कहते हैं, और यह नेल्सन मंडेला की पुस्तक का भी नाम है। मंडेला जी ने गांधी जी के प्रयोगों पर आधारित नॉन वायलेंस, नॉन कोऑपरेशन और पैसिव रेजिस्टेंस की नीतियों को अपनाया और संघर्ष किया। हालांकि वो कभी मिले नहीं, लेकिन स्वतंत्रता के लिए इनके संघर्ष किसी आदर्श से कम नहीं है। ऐसा ही एक और संघर्ष म्यांमार की आंग सान सू के द्वारा भी किया गया।
ये वीडियो रिकॉर्ड करने तक म्यांमार में सैन्य शासन फिर से स्थापित है, लेकिन इन्होंने इसके विरुद्ध इतिहास में बड़ा ही जबरदस्त संघर्ष किया है। इन्हें वहां घर में नजरबंद करके रखा जाता था। ये भी जेल ही है, बस यहाँ काल कोठरी की जगह आपके घर की दीवारें होती हैं। इन्हें इनके बच्चों से अलग किया गया। इनके पति म्यांमार से नहीं थे, उन्हें कैंसर हुआ, मृत्यु हो गई, इन्हें मिलने नहीं दिया गया। फिर भी इन्होंने गांधी जी की अहिंसावादी नीतियों को प्रेरणा स्वरूप अपनाया और जब तक म्यांमार में डेमोक्रेसी ना आई संघर्ष करती रही, और इनके संघर्ष फलीभूत भी हुए और एक बार म्यांमार में डेमोक्रेसी आई, सैन्य शासन का खात्मा हो गया। इन्होंने अपने संघर्षों से संबंधित जो पुस्तक है फ्रीडम फ्रॉम फियर में बताया कि वास्तविक मुक्ति भय से मुक्त होना है, इसके बगैर आप एक डिग्निफाइड लाइफ नहीं जी पाएंगे। आंग सान सू और नेल्सन मंडेला दोनों की पुस्तकें स्वतंत्रता के आदर्श की शक्ति दिखाती हैं, और ये आदर्शों की शक्ति अंग्रेजों, फ्रांसीसियों तथा पुर्तगालियों के विरुद्ध हमारे नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल के केंद्र में थी। अब सबसे बेसिक क्वेश्चन, स्वतंत्रता क्या है? साधारण शब्दों में ये माना जाता है कि जब किसी व्यक्ति पर कोई बाहरी प्रतिबंध यानी कि एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट ना हो, इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सके, तब इसे हम फ्रीडम कहते हैं। हालांकि ये केवल एक डायमेंशन है फ्रीडम का। फ्रीडम का अर्थ यह भी है कि व्यक्ति अपने विचारों को फ्रीली एक्सप्रेस करने की जो एबिलिटी है उसको डेवलप करने के लिए प्रयास कर सके, लोग अपनी क्रिएटिविटी और कैपेबिलिटी को डेवलप कर सके, यह भी फ्रीडम का एक डायमेंशन ही है। इंडिया में 6 से 14 साल के बच्चों को जो फ्री एजुकेशन दी जाती है वो एक तरीके से फ्रीली एक्सप्रेस करने की जो उनकी योग्यता है, क्रिएटिविटी है, उनकी कैपेबिलिटीज है, उनको बढ़ाने का ही प्रयास होता है। ये दोनों एस्पेक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं फ्रीडम के लिए। सही मायने में एक फ्री सोसाइटी वही होती है जिसमें मिनिमम कंस्ट्रेंट लगाए जाएं अपनी सोसाइटी के मेंबर्स पर और इन मेंबर्स का जो पोटेंशियल है उसको डेवलप किया जाए। अब आप सोसाइटी में रहते हुए उम्मीद करें कि कोई भी रेस्ट्रिक्शन ना हो, ये असंभव है। बस यहाँ ये समझना है कि कौन से प्रतिबंध जरूरी हैं, जस्टिफाइड हैं, कौन सा एक्सेप्ट किया जाना चाहिए, किसे नहीं किया जाना चाहिए। इन प्रतिबंधों के निर्धारण में थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी दिखेगी आपको, क्योंकि व्यक्ति और उसके समाज के बीच जो को रिलेशनशिप होती है उसको एग्जामिन करना होगा। यह भी समझना होगा कि सोसाइटी का कौन सा फीचर है जो व्यक्ति को कुछ भी चुनने, डिसाइड करने, एक्ट करने और क्या नहीं करना है आदि को बताता है। सोसाइटी का कौन सा फीचर हटा देना चाहिए, कौन सा नहीं हटाना चाहिए। अब जैसे सती कुप्रथा हमारी सोसाइटी में हुआ करती थी, ये वुमेन्स की फ्रीडम पर कंस्ट्रेंट था। अब सोसाइटी के ऐसे फीचर को निसंदेह हटा देना चाहिए, लेकिन जब राजा राम मोहन राय इसके विरुद्ध मूवमेंट स्टार्ट करने लगे होंगे, इस मुद्दे पर समान विचारों को रखने वाले लोग भी साथ आए होंगे और एक नई तरीके की सोसाइटी बन गई होगी, जिसमें सभी लोग इस बात से सहमत रहे होंगे कि सती कुप्रथा नहीं होनी चाहिए हमारी सोसाइटी में। लेकिन सिर्फ सोसाइटी बनने से तो बात बनेगी नहीं, लेकिन ये कह सकते हैं कि इस नए सोसाइटी के बनने और कुछ कानूनी दबाव यानी कि प्रतिबंधों के फलस्वरूप सती कुप्रथा को समाप्त करने में हम सफल हो पाए। खैर, प्रतिबंधों को निर्धारित करते समय हम जिन सिद्धांतों को प्रयोग में लाते हैं उनको भी एग्जामिन करना चाहिए। जैसे हम अपने देश में कुछ वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान करते हैं तो इसके पीछे समता का सिद्धांत होता है। चलिए, स्वतंत्रता के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू होते हैं, फिर भी एक फ्री सोसाइटी वही है जिसके मेंबर्स अपने इंटरेस्ट को परसू कर सकें, खुद को डेवलप करने के लिए डिसीजन ले सकें, चयन कर सकें, अपने विवेक से जजमेंट ले सकें। सकारात्मक पहल तो यही है कि समाज इनको बढ़ावा दे, कम से कम प्रतिबंध लगाए। प्रतिबंधों के स्रोत की बात करें तो किसी भी व्यक्ति के फ्रीडम पर रिस्ट्रिक्शन या तो एक्सटर्नल कंट्रोल या फिर डोमिनेशन से आता है। ऐसे रिस्ट्रिक्शन या तो बलपूर्वक या फिर किसी कानून के माध्यम से लगाए जाते हैं। वैसे ये कॉलोनियल रूलर जैसे कि ब्रिटेन, पुर्तगाल, फ्रांस आदि के द्वारा किया जाता था। लेकिन अगर गवर्नमेंट लोकतांत्रिक है, डेमोक्रेसी है, तो कुछ हद तक जो नागरिक हैं वो रूलर्स पर कंट्रोल रखते हैं, वोट देकर के चेक्स रखते हैं। इसीलिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक महत्वपूर्ण युक्ति साबित होती है फ्रीडम के प्रोटेक्शन में। फ्रीडम पर रेस्ट्रिक्शन एक्सटर्नल फोर्स के अलावा सोशल इनइक्वालिटी के कारण भी होता है और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी से भी होता है, मतलब अमीर गरीब या फिर कास्ट सिस्टम आदि भी फ्रीडम पर कंस्ट्रेंट का सोर्स होते हैं। इसलिए सोशल और इकोनॉमिकल इनइक्वालिटी को दूर करने के लिए सुभाष चंद्र बोस का छात्र सम्मेलन में दिया गया अध्यक्षीय भाषण जो लाहौर में 1929 में दिया गया था रिलेवेंट लगता है। इसे आप स्वयं से पॉज करके पढ़ लें और एनालाइज करने की कोशिश करें। सुभाष चंद्र बोस सर्वांगीण स्वतंत्रता यानी कि ओवरऑल फ्रीडम की बात कर रहे हैं। अब फिर से एक महत्वपूर्ण सवाल है, रेस्ट्रिक्शन की जरूरत क्यों है?
जरूरत तो है, क्योंकि इसके बगैर सोसाइटी में डिसरप्शन आ जाएगा। देखिए, लोगों के विचारों में अंतर हो सकता है, उनके एम्बिशंस अलग अलग हो सकते हैं, और हो सकता है कि लिमिटेड रिसोर्स होने के कारण एक दूसरे से कॉम्पिटिशन भी करें, पर ये कॉम्पिटिशन फेयर हो ये जरूरी नहीं है। किसी के विचार से सहमत ना होना एक बात है, लेकिन यहाँ तो लोग छोटी छोटी बात पर हिंसा और संघर्ष पर उतारू हो जाते हैं। बढ़ती हुई रोड रेज की घटनाएं, इवन गाड़ी पार करने के लिए भी लोग लड़ते हुए देखे जा सकते हैं। जमीन जायदाद तो बड़ी बात है, बात संघर्ष, हिंसा और होने वाली जनहानि की है। आजकल मणिपुर काफी चर्चा में है। कोर इशू क्या है, उनको समझने और सुलझाने की ओर, या यूं कहें कि विवाद के निपटारे को छोड़ लोग हिंसा करने पर उतारू हैं। मामला दो कम्युनिटीज के बीच है, पर इससे मणिपुर में रहने वाले अन्य लोगों की फ्रीडम पर भी कंस्ट्रेंट आ रहे हैं। जब तक आप दूसरों के विचारों का सम्मान करना नहीं सीखते, आप हमेशा अपने विचार दूसरों पर थोपने की कोशिश करते रहेंगे। ऐसे में यह पॉसिबल नहीं होगा कि आप फ्रीडम को मिनिमम रेस्ट्रिक्शन के साथ एंजॉय कर पाए। मणिपुर के हालात पर गवर्नमेंट की सबसे बड़ी प्रायोरिटी यही होगी कि वायलेंस को रोका जाए। अब भले ही इसके लिए हार्ड रेस्ट्रिक्शन इम्पोज करने पड़े, इंटरनेट बैन करना पड़े, गवर्नमेंट ऐसा करेगी, क्योंकि आपने पीछे वायरल वीडियोस भी देखे हैं जो कि भयावह है और कहीं ना कहीं एक जंगल राज की अनुभूति देता है। लेकिन क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर गवर्नमेंट हो ही ना, कोई लॉ बेस्ड या फिर पॉलिटिकल रेस्ट्रिक्शन हो ही ना, तो एक ग्रुप दूसरे ग्रुप पर अपने विचारों को थोप देगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, माइट इज राइट वाली बात होगी। तो हम कह सकते हैं कि फ्रीडम को एंजॉय करने के लिए लॉ के प्रोटेक्शन की जरूरत है। हालांकि यहाँ ये समझने वाली बात है कि फ्रीडम पर जो रेस्ट्रिक्शन लगाया जा रहा है उन्हें आइडेंटिफाई कैसे किया जाए, कौन सा रेस्ट्रिक्शन नेसेसरी है, जस्टिफिएबल है और कौन सा नहीं है, कौन सी अथॉरिटी इसे लगा सकती है, कौन नहीं, आदि पर डिस्कशन होना चाहिए। आइए अब लिबर्टी से संबंधित हार्म प्रिंसिपल यानी कि हानि सिद्धांत को समझते हैं, लेकिन इससे पहले इसे देने वाले जॉन स्टुअर्ट मिल के बारे में जानते हैं। जॉन स्टुअर्ट मिल एक फिलोसोफर, एक इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी थे, जिन्होंने क्लासिकल इकोनॉमी थ्योरी को प्रपोज किया। इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए भी काम किया है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे हैं। ये लिबरलिज्म की बात करते थे, जो कि आपकी आगे की क्लासेस में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। 1859 में जॉन स्टुअर्ट मिल का एक एसे पब्लिश होता है, जिसका नाम था ऑन लिबर्टी। इसमें इन्होंने हार्म प्रिंसिपल को दिया था, जो बुक में उन्हीं के शब्दों में दिया गया है। ये कहते हैं कि किसी व्यक्ति के जो कार्य करने की फ्रीडम है, उसमें व्यक्तिगत रूप से या फिर सामूहिक रूप से इंटरफेयर तभी किया जाना चाहिए जब इसका कारण सेल्फ प्रोटेक्शन हो। यानी कोई भी व्यक्ति कुछ भी कार्य करने के लिए स्वतंत्र है, जब तक उसके काम से दूसरे को हानि नहीं पहुंचती है। अगर व्यक्ति के कार्य से दूसरों को नुकसान होगा तो फ्रीडम में इंटरफेयर किया जा सकता है। इसलिए सिविल सोसाइटी में ऐसी शक्ति का प्रयोग जो कि स्वतंत्रता को रिस्ट्रिक्ट करे, सिर्फ इस उद्देश्य से होनी चाहिए कि वो दूसरों को नुकसान से बचाए। जॉन स्टुअर्ट मिल ने सोसाइटी के मेंबर्स के द्वारा किए जाने वाले कार्य को दो तरीके का बताया। एक को सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन यानी कि स्वसंबद्ध कार्य कहा, ऐसे कार्य जिनका प्रभाव केवल उस काम को करने वाले पर पड़े, और दूसरा अदर रिगार्डिंग एक्शन यानी कि परसंबद्ध कार्य, यानी ऐसे एक्शन जिनका प्रभाव करने वाले और उसके अलावा बाकी लोगों पर भी पड़े। जॉन स्टुअर्ट मिल का मानना है कि सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन के मामले में स्टेट या फिर गवर्नमेंट किसी एक्सटर्नल अथॉरिटी को इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। मतलब मेरी मर्जी, मेरा काम, जैसे मन मैं वैसे करूंगा। क्योंकि मेरे ये काम किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, तो इंटरफेयर करने का कोई कारण होगा भी नहीं स्टेट या फिर गवर्नमेंट के पास। बट अदर रिगार्डिंग एक्शन से तो नुकसान हो रहा है, ऐसे में इस नुकसान से बचाने के लिए स्टेट या फिर एक्सटर्नल अथॉरिटी को इंटरफेयर करना चाहिए। आगे ये बताते हैं कि मानव के जीवन में फ्रीडम कोर में है, तो रेस्ट्रिक्शन गंभीर नुकसान होने पर ही लगाना चाहिए। छोटे मोटे नुकसान से बचाने के लिए फ्रीडम को रेस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए, ऐसा जॉन स्टुअर्ट मिल मानते हैं। छोटे मोटे नुकसान से बचाने के लिए जॉन स्टुअर्ट मिल मानते हैं कि फोर्स ऑफ लॉ की जगह सोशल डिसअप्रूवल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने घर में लाउड म्यूजिक चलाते हैं तो पड़ोसियों को भी इससे परेशानी होगी। जेएस मिल मानते हैं कि ऐसे में पुलिस को इन्वॉल्व न करते हुए सोशल डिसअप्रूवल करना चाहिए। ऐसा व्यक्ति जो दूसरों को होने वाली परेशानियों का ध्यान न रखता हो, लाउड म्यूजिक चलाता हो, उसे ग्रीट करना बंद कर देना चाहिए। हालांकि इसे बायकॉट तो नहीं कहेंगे, लेकिन ऐसा कुछ सोशली डिसअप्रूवल जताया जा सकता है। हमारी सोसाइटी में तो लोग बायकॉट करने को ही तैयार हो जाते हैं। इन शॉर्ट, उनके अनुसार ये मामला लीगल पनिशमेंट के लिए फिट नहीं है।
उदारवाद या फिर लिबरलिज्म को आमतौर पर एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के रूप में लिबरलिज्म को टॉलरेंस की वैल्यू के साथ जोड़कर देखा जाता है। मतलब कोई व्यक्ति उदारवादी है, लिबरल है, तो वो दूसरे व्यक्ति के विचारों से भले असहमत हो, एग्री ना करता हो, तब भी वो इस बात को एडवोकेट करेगा कि सामने वाला व्यक्ति के पास अपनी बात, अपने विचार, विश्वास को एक्सप्रेस करने का अधिकार होना चाहिए। लिबरलिज्म की खास बात यह है कि ये व्यक्ति केंद्रित होता है। इसमें फैमिली, सोसाइटी, कम्युनिटी जैसे जो सोशल इंस्टीट्यूशन है उनका कोई महत्व नहीं होता है। इनकी इंपॉर्टेंस तभी होगी जब व्यक्ति इन्हें इंपॉर्टेंस देगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको अपना स्पाउस यानी कि पति या पत्नी को चुनने का जो डिसीजन है वो आपका खुद का होगा, बाकी के सोशल इंस्टीट्यूशन का इसमें कोई महत्व नहीं होगा। होगा तभी जब आप ऐसा चाहेंगे। सिंपली जैसे हमारे यहाँ अरेंज मैरिज होती है तो इसमें फैमिली इन्वॉल्व होती है, क्योंकि हम यानी कि व्यक्ति ऐसा चाहता है कि फैमिली इन्वॉल्व हो। लेकिन कई केसेस आप देखेंगे लव मैरिज के, ऐसे में फैमिली का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। लिबरल व्यक्ति हमेशा फ्रीडम को इक्वालिटी से ऊपर मानता है और पॉलिटिकल अथॉरिटीज को हमेशा सस्पिशियस निगाहों से देखता है। यही वो लिबरलिज्म की विचारधारा है जिसके कारण फ्री मार्केट और गवर्नमेंट का मार्केट में मिनिमम इंटरफेयर की अवधारणा का विकास हुआ। हालांकि पहले लिबरलिज्म की जो आइडियोलॉजी थी वो वेलफेयर स्टेट के रोल को एक्सेप्ट नहीं करते थे, पर समय के साथ साथ अब ये माना जाता है सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को कम किए जाने का उपाय किया जाना चाहिए। खैर, इन सब के बाद हमें समझना होगा कि इंडिया में डाइवर्स लाइफस्टाइल के लोग हैं तो उनकी स्वतंत्रता संबंधित हित भी थोड़े डाइवर्स हो सकते हैं। जैसे आपने सिख समुदाय के लोगों को कृपाण धारण करते देखा होगा, उनके यहाँ इससे संबंधित मान्यताएं हैं जिन्हें स्वतंत्र रूप से उन्हें मानने की आजादी है, और ये कब तक है? जब तक हार्म प्रिंसिपल लागू नहीं होता है। आप कह सकते हैं कि कृपाण एक पोटेंशियल वेपन तो है, पर मेरा अनुभव ये है कि आज तक रेयर ही ऐसा हुआ होगा कि किसी कृपाणधारी ने इसका मिसयूज किया हो। रेस्ट्रिक्शंस कम ही देखने को मिलता है। समझने की बात ये भी है कि रेस्ट्रिक्शन इतने कड़े नहीं होने चाहिए कि फ्रीडम ही इरोड हो जाए, मतलब समाप्त हो जाए। जैसे मान लो किसी ने भड़काऊ भाषण दिया, हैट्रिक फैलाई सोसाइटी में किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी या फिर इंडिविजुअल के विरुद्ध में, अपने बोलने की स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया, फिर भी इसके लिए आजीवन कारावास यानी कि लाइफ इंप्रिजनमेंट तो नहीं दे सकते? अपने शब्द वापस लें इसलिए बाध्य किया जाए, चेतावनी दी जाए, अगर तब भी ना माने तो आने जाने पर रोक लगाई जाए, कोई सभा न बुलाने दिया जाए आदि, ऐसे कुछ उपाय किए जा सकते हैं। संविधान में हमें कुछ स्वतंत्रताएं दी गई हैं और उन पर न्यायपूर्ण प्रतिबंध जिसे रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन कहा जाता है उसे भी लगाया गया है। रिजनेबल का मतलब है कि हम तर्क दे सके कि हमने क्यों फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट किया है। जैसे हमने पीसफुल असेंबल होने का अधिकार है बिना किसी हथियार के, लेकिन मान लीजिए कोई हिंसाग्रस्त क्षेत्र है, वहां गवर्नमेंट ऐसी स्वतंत्रता को रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, कर्फ्यू लगा सकती है, कुछ समय के लिए इंटरनेट बैन कर सकती है ताकि अफवाहें ना फैलें। पर ये रिस्ट्रिक्शन एक्सेसिव नहीं होने चाहिए, प्रोपोर्शनेट होने चाहिए। साधारण एग्जांपल, मान लीजिए आपने कोई ऐसी स्पीच दी जो भारत के किसी मित्र देश के विरुद्ध है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि जिससे हमारे इंटरनेशनल रिलेशनशिप प्रभावित हो। अब इसके लिए सरकार आपके ऐसे स्पीच, वीडियो, ऑडियो को रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। गवर्नमेंट आपके मित्र देशों के विरुद्ध बोलने पर रोक लगाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट आपको इंटरनेट यूज ही नहीं करने देगी, मतलब प्रोपोर्शनेट रिस्ट्रिक्शन ही लगाएगी। ऐसा विचार रिस्ट्रिक्शन के मामले में होता है। अगर इनका ध्यान न रखा जाए तो रेस्ट्रिक्शन फ्रीडम के लिए सही नहीं होगा। ये कुछ मुद्दे दिए गए हैं, इनको एक बार वीडियो पॉज करके पढ़िए और विचार करिए। आइए अब पॉजिटिव और नेगेटिव लिबर्टी को जानते हैं। पीछे हम फ्रीडम के दो डायमेंशन पर डिस्कस कर चुके हैं। पहला, फ्रीडम पर किसी तरह का एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट नहीं होना चाहिए, इसे नेगेटिव लिबर्टी कहा जाता है। और दूसरा, ऐसी अपॉर्चुनिटीज के एक्सपेंशन से है जो व्यक्ति को एक्सप्रेस करने की एबिलिटी दे, इसे पॉजिटिव लिबर्टी कहते हैं पॉलिटिकल साइंस में। नेगेटिव लिबर्टी ऐसे एरिया के आइडेंटिफिकेशन की बात करती है जिसमें एक व्यक्ति के ऊपर रोक टोक ना हो, ऐसा क्षेत्र जहां व्यक्ति जो चाहे कर सके, कोई भी एक्सटर्नल अथॉरिटी इंटरफेयर ना करे। ह्यूमन नेचर और ह्यूमन डिग्निटी मिनिमम एरिया की डिमांड करती है जिसमें व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से अबाध रूप से व्यवहार कर सके। अब ये नॉन इंटरफेयर का एरिया जितना बड़ा होगा, व्यक्ति के लिए व्यक्ति की स्वतंत्रता उतनी अधिक होगी। एग्जाम्पल लें, आप स्कूल आते हैं तो आपको एक प्रॉपर यूनिफॉर्म कोड को फॉलो करना होगा। स्कूल अथॉरिटी इंटरफेयर करेगी, लेकिन जैसे ही स्कूल टाइम खत्म हुआ, अब आप अपने इच्छानुसार कोई भी ड्रेस यूनिफॉर्म पहन सकते हैं, वो आपका मिनिमम एरिया ऑफ नॉन इंटरफेयर है। अब ये भाई साहब की इच्छा ही है कि वो ऐसे कपड़े पहने, कौन रोक रहा है इन्हें? लेकिन ये केस जिसमें भारतीय टेनिस महिला खिलाड़ी सानिया मिर्जा के कपड़े पहनने के लिए मौलवी जी ने फतवा जारी कर दिया,
पहली बात तो क्या पहनना है, क्या खाना है, ये मिनिमम नॉन इंटरफेयर एरिया की बात है। यहाँ तो चर्चा तक नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ फतवा जारी हो रहा है। ये कुछ ज्यादा ही लिबर्टी का वायलेशन हो गया। अब जिस खेल को सानिया जी खेल रही हैं, वहां ऐसे छोटे स्कर्ट को सही माना गया है। खैर, क्या पहनना है ये वही क्षेत्र है जिसमें अपने विचारों के अनुसार सानिया जी कपड़े पहन सकती हैं, खुद को एक्सप्रेस कर सकती हैं। इसमें कोई अथॉरिटी इंटरफेयर नहीं कर सकती है जब तक आप उस अथॉरिटी के दायरे में नहीं आते। जैसे सेना में है, स्कूल में है, या ऐसी किसी जगह है जहां पे यूनिफॉर्म जरूरी है, तो यहां पर अथॉरिटीज इंटरफेयर कर सकती हैं। वैसे भी हम इतने समझदार होते हैं कि हम सिचुएशन के हिसाब से ही कपड़े पहनते हैं। ये नॉन इंटरफेयर का एरिया कितना बड़ा होना चाहिए, ये डिस्कशन का मुद्दा बना रहेगा। आप यूं समझिए कि जब से पॉलिटिकल साइंस की स्टडी हो रही है, एक बात हमेशा से चलती आ रही है कि व्यक्ति को कितनी स्वतंत्रता दी जाए और स्टेट या फिर गवर्नमेंट को किस हद तक फ्रीडम को रेस्ट्रिक्ट करने का अधिकार है। इन दोनों बातों में हमेशा से संतुलन बनाने की बात रहती है। यानी व्यक्ति को इतनी स्वतंत्रता भी नहीं होनी चाहिए कि वो सोसाइटी को डिसरप्ट कर दे, और स्टेट या फिर गवर्नमेंट के पास इतने रेस्ट्रिक्शन के अधिकार भी नहीं होने चाहिए कि वो स्वतंत्रता को रेस्ट्रिक्ट कर लें या फिर समाप्त कर लें। इसमें जो बैलेंस बैठाने की बात है वो आज तक चल रही है, प्लेटो के समय से आज तक। हालांकि हीगल ने इसमें बैलेंस बैठाने की कोशिश की है, जिसे आगे हम समझेंगे। खैर, नेगेटिव लिबर्टी का सीधा सा मतलब है कि व्यक्ति पूछ रहा है कि ओवर व्हाट एरिया आई एम द मास्टर। अब पॉजिटिव लिबर्टी की बात करते हैं। यहाँ व्यक्ति ये पूछता है कि मुझ पर शासन कौन करेगा, हु गवर्न मी। आइडियल आंसर तो ये है कि आई गवर्न माई सेल्फ, मैं खुद को खुद से ही गवर्न करूंगा। पॉजिटिव लिबर्टी इस बात को डिस्कशन में लेती है कि किसी व्यक्ति को डेवलप होने में कितने कम से कम रेस्ट्रिक्शन का सामना करना पड़े। बेसिकली ये व्यक्ति और उसके समाज के बीच संबंधों का जो नेचर है, कंडीशन है, उनको ध्यान में रखता है। अगर आप खुद को कैपेबल बनाना चाहते हैं, डेवलप करना चाहते हैं, बुद्धि विवेक बढ़ाना चाहते हैं, तो गरीबी, बेरोजगारी जैसे कंस्ट्रेंट आपके रास्ते में नहीं आने चाहिए। तो ऐसे में आपको फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन मिलना चाहिए। ऐसे कानून होने चाहिए जो ये इंश्योर करें कि आपको क्वालिटी एजुकेशन मिले, कानून बनाने में, डिसीजन मेकिंग में आपकी भूमिका हो। इन शॉर्ट, आपको डेवलप होने के लिए जो अपॉर्चुनिटीज की जरूरत है, उनका ध्यान पॉजिटिव लिबर्टी रखती है। पॉजिटिव लिबर्टी के पक्ष में बात करने वाले ये मानते हैं कि व्यक्ति समाज में ही विकसित हो सकता है, इसलिए स्वतंत्र समाज होना चाहिए। पॉजिटिव लिबर्टी और नेगेटिव लिबर्टी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। नेगेटिव लिबर्टी मिनिमम नॉन इंटरफेयर एरिया को बढ़ाने की बात करती है, मगर साथ में सोसाइटी स्टेबल रहे इसका ध्यान भी रखा जाता है। पॉजिटिव लिबर्टी व्यक्ति के डेवलपमेंट को इंश्योर करने की कोशिश करेगी, जो भी कंस्ट्रेंट होंगे अपॉर्चुनिटी को एक्सेस करने में उन्हें दूर करने की बात करेगी। पर कभी कभी निरंकुश शासक पॉजिटिव लिबर्टी का दुरुपयोग करते हैं अपने रूल को जस्टिफाई करने के लिए। जैसे हिटलर, जो कि डेमोक्रेटिक तरीके से चुना हुआ एक तानाशाह था, वो कहता था कि मैं जर्मनी का खोया हुआ सम्मान वापस ला दूंगा, सभी जर्मन्स को सुपीरियर बनाऊंगा। ये सब कह के जनता को बरगलाकर ये सिद्ध कर दिया कि उनके दुखों का कारण यहूदी लोग हैं। 60 लाख से ज्यादा यहूदियों की निर्मम हत्या करवा दी उसने। अरे, यहूदी लोग सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाले लोग हैं, जो भी अचीव किया है उन्होंने अपने इंटेलेक्ट और अपनी मेहनत के दम पर किया है। सीधी बात समझ लो, आपके दुखों का 99% कारण आप खुद होते हो। आपके गलत विचार और आपके गलत एक्शन ही होते हैं। दूसरों को दोष देना बंद करिए और खुद को डेवलप करने पर फोकस करिए। खैर, थोड़ी देर के लिए टीचर की आत्मा फिर से प्रबल हो गई। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं और इससे संबंधित फ्रेंच फिलोसोफर वोल्टेयर के कथन से शुरुआत करते हैं। उन्होंने कहा था, आप जो कहते हैं मैं उसका समर्थन नहीं करता, लेकिन मैं मरते दम तक आपके कुछ कहने के अधिकार के समर्थन में खड़ा रहूंगा। अभिव्यक्ति की आजादी एक बुनियादी मूल्य है स्वतंत्रता का। हमने पॉजिटिव और निगेटिव लिबर्टी की बात की। ये माना कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी जरूरी हैं, लेकिन ये लिमिटेशन प्रॉपर मोरल आर्गुमेंट और सही प्रोसीजर के द्वारा ही तय होनी चाहिए। अब एग्जाम्पल लेते हैं, ये मूवी मोहल्ला 80, इसे 2016 में बैन किया गया था। 80 घाट वाराणसी में गंगा किनारे स्थित है, जहां तुलसीदास जी ने बैठकर रामचरितमानस लिखी थी। वहां के एक मोहल्ले पर आधारित ये फिल्म है। वैसे आप ये जान लीजिए, बनारस में एक नदी है वरुणा और 80 घाट है ही, इन दोनों शब्दों को मिलाकर वाराणसी शब्द की उत्पत्ति बताई जाती है। कितना सत्य है इसमें, मैं इसका दावा नहीं करता। इस फिल्म को इस आधार पर बैन किया गया कि यहां तीर्थ स्थान के कमर्शलाइजेशन को दर्शाया गया है। खैर, दिसंबर 2017 में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक कट और एडल्ट सर्टिफिकेट के साथ मूवी से बैन हटा लिया। ये तो एक एग्जांपल है, ऐसे ही न जाने कई बुक्स, पेंटिंग्स, मूवी समय-समय पर बैन की जाती रही हैं। समझने की बात तो ये है कि ऐसे एक्सप्रेशन, ऐसी अभिव्यक्ति पर किस हद तक रोक लगाई जा सकती है।
इसे स्पष्ट रूप से समझने के लिए आप जॉन स्टुअर्ट मिल के तर्कों को ध्यान में रख सकते हैं, जो उन्होंने ऑन लिबर्टी नामक एसे में चार कारण बताए हैं। उनमें पहला कारण तो यह है कि कोई भी विचार पूरी तरह से गलत नहीं होता है। जो हमें गलत लगता है उसमें कुछ हद तक सच्चाई के भी तत्व होते हैं। अगर हम गलत विचार को प्रतिबंधित कर देंगे तो इसमें छुपी हुई सच्चाई का जो अंश है हम उसे भी खो देंगे। दूसरा कारण पहले कारण से जुड़ा है। सत्य स्वयं में उत्पन्न नहीं होता, सत्य विरोधी विचारों के टकराव से पैदा होता है। जो विचार आज गलत प्रतीत होता है वह सही तरह के विचारों के उदय में बहुमूल्य है। तीसरा, विचारों का यह संघर्ष केवल अतीत में ही इंपॉर्टेंट नहीं था, बल्कि हर समय इसका सतत रूप से महत्व है। सत्य के बारे में यह खतरा हमेशा होता है कि वह एक विचारहीन और रूढ़ उक्ति में बदल जाए। जब हम इसे विरोधी विचार के सामने रखते हैं तभी इस विचार का विश्वसनीय होना सिद्ध होता है। अंतिम बात यह है कि हम इस बात को लेकर भी निश्चित नहीं हो सकते कि जिसे हम सत्य समझते हैं वही सत्य है। कई बार जिन विचारों को किसी समय पूरे समाज ने गलत समझा और दबाया था बाद में सत्य पाए गए। कुछ समाज ऐसे विचारों का दमन करते हैं जो आज उनके लिए स्वीकार्य नहीं है, लेकिन ये विचार आने वाले समय में बहुत मूल्यवान ज्ञान में बदल सकते हैं। दमनकारी समाज ऐसे संभावनाशील ज्ञान के लाभों से वंचित हो जाएगा। यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, आप इन्हें पढ़िए खुद से और समझिए कि बैन लगाना एक टेम्पोररी उपाय है, और अगर ऐसा होता रहेगा तो बैन लगाने की जो परिपाटी है वो विकसित हो जाएगी, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए खतरनाक है। जहां तक मूवी के सेंसरशिप की बात है, ये बैन से अलग होता है। अक्सर लोग इसे एक जैसा मानने के भ्रम में पड़ जाते हैं। मान लीजिए आपने मिर्जापुर सीरीज या इस तरीके की और भी मूवीज देखी होंगी जिसमें गाली गलौज का भरपूर इस्तेमाल किया गया है। रील को थोड़ा सा रियलिस्टिक टच देने के लिए शायद ऐसा किया जाता होगा। सेंसर में इसे एडल्ट सर्टिफिकेट दिया जाएगा, यानी बच्चे इसे देखकर गाली देना न शुरू करते हैं। आप एडल्ट हैं तो आप समझदार होंगे कि आपको अपने जीवन में कौन से शब्द इस्तेमाल करने हैं कौन से नहीं, लेकिन बच्चे ऐसा करने की क्षमता अभी नहीं रखते, बड़े होने पर जरूर रखेंगे। हाँ, अगर कोई ऐसा सीन है जो देश की अखंडता, स्वतंत्रता, सिक्योरिटी आदि को ब्रीच करता हो, या फिर देश के नेशनल फ्लैग या नेशनल सिंबल या फिर कोई भी नेशनल इंपॉर्टेंस की चीजें हैं उनका अपमान करता हो, तो उस सीन पर कट लगाया जा सकता है। लिमिटेशन सही हैं, गलत हैं, इन पर पूरा कॉन्सेप्ट बनने के बाद ही विचार करिएगा। एक और एग्जाम्पल ब्रिटेन के राजमहल का है। यहाँ काम करने वाले व्यक्ति को कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होता है कि वो राज परिवार के अंदर की बातों के बारे में कोई इंटरव्यू नहीं देगा, बुक नहीं लिखेगा आदि ऐसे कोई काम नहीं करेगा। मान लो कोई नौकरी छोड़ने के बाद लिखना चाहे, कोई विचार व्यक्त करना चाहे, तो ये उस व्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी। ले देकर बात ऐसे रेस्ट्रिक्शन लिमिटेशन के जस्टिफिएबल होने की बात है। बच्चों को पेरेंट्स की देखभाल में रखा जाता है, अब ये स्वतंत्रता का हनन तो नहीं कहा जा सकता। हनन तो तब कहेंगे अगर माता पिता बच्चे को शिक्षा लेने से रोकें, बच्चे को उसकी क्षमता सामर्थ्य बढ़ाने के अवसर मिलने ना दें, विवेकपूर्ण सोच विकसित करने और जिम्मेदारी उठाने योग्य बनने का जो अवसर है वो ना प्राप्त होने दें। उम्मीद है समझ गए होगे, नहीं तो जाके अपने पेरेंट्स से तुमने लगे फ्रीडम की बात करने, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ये वो, तो आप तो समझ लो कि बाप है वो, लात मार के निकाल देगा आपके फ्रीडम का भूत। खैर चलिए, आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम इक्वालिटी को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।